अब हम अपर बुडवान के एरिया में आ गए। मेरे आगे निसार साहब जा रहे हैं, बहुत बर्फ पड़ी है इस साल। क्या है, ठीक है। और गिरने का बहुत खतरा को, यहाँ अभी आइस पूरी तरह से गला नहीं है। और चलो स्कूल बच्चो, स्कूल चलो स्कूल, जो बच्चा आ सकता है स्कूल चलो। सलाम वालेकुम। ठीक हो जी, इस साल ठीक ठाक गुजरे हो? ठीक रहे हो? बर्फ शर्फ खूब पे दिया दबा के पे कर तू वीडियो। सलाम चाचा। वालेकुम सलाम। ठीक हो जी? बर्फ शर्फ साल खूब पे गई इधर। ये तकरीबन मुगल था 30 साल पहले जी बर्फ है। हाँ हाँ है ना, पहले वक्त। और ठीक हो ना तुसी? अल्लाह दी घर में सब ठीक ठाक हैं? सब बच्चे शच्चे सब ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। चलो ऐसा से दुआ करियो। सर मैं रोड पे रोड ऐसे बर्फ पड़ रही है। शीशा साफ करना पड़ गया। हम शॉर्टकट वे लेंगे। वेरी डेंजरस वे। हाँ 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 मुझे पता है।
आप देख सकते हो यहाँ तो बारिश बर्फ पड़ रही है। ये बडवन है जहाँ अप्रैल में मई जून में अच्छी खासी ग्रीनरी होती है, लेकिन आज बहुत बर्फ है। हम स्कूल जा रहे हैं, हमारे स्कूल रीओपन हो गए आफ्टर सम विंटर वेकेशन। विंटर वेकेशन यानी विंटर ख़त्म होने के बाद, अभी तो विंटर यहाँ तो 2 महीने के बाद ख़त्म होगा। खड्डे देखिए, रास्ते में पांव नीचे गया तो जैसे चलना पड़ेगा। पांव बर्फ में धंस रहा है। अब बच्चों स्कूल लगेगा, इस बर्फ में आना तो साधना टॉप को क्रॉस करना है। दसार साहब कहाँ से चले गए आप? रोड अभी रीओपन नहीं हुई है। वो रहा हमारा स्कूल UPS अपर बड़वान। बहुत बर्फ है जी। हाँ बच्चों स्कूल आ गए, चलो आप चलो। सर आप चलो चलो। UPS अपर बड़वान की बिल्डिंग है, वो बर्फ बहुत है। ये रहा UPS अपर बड़वान। चलिए जी, बर्फ बहुत पड़ रही है, शीशे पर पड़ रही है तो ये थोड़ा मॉइस्चर हो जाता है।
ये देखिए जी गाँव, सांस फूलती है, आज सर्दी है। को नज़दीक नज़दीक आ रहा ग्यारह बज चुके हैं, हम भी स्कूल पहुंच चुके हैं। मकान थोड़ा इसका मोड चेंज करते हैं। ये रहा जी UPS अपर बड़वन, UPS अपर बड़वन आप देख सकते हो। निसार साहब शायद स्कूल में पहुंच चुके हैं, वो मुझसे आगे निकल गए। हमारे स्कूल की छत टीन होने की वजह से बर्फ उतर चुकी है, लेकिन स्कूल में जाने का रास्ता नहीं है। तो कोई रास्ता नहीं है।
मुझे कहीं वहाँ से रास्ता निकालना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। ये रहा जी UPS अपर बड़वान। किचन शेड टूट चुका है, बर्फ ताज़ा पड़ रही है यहाँ पे। आप लगता है मुझे और पड़ेगी रात को। यहाँ की मशीन ने बर्फ़ उठा के सड़क से हटाई है। तो यहाँ पर ये मस्जिद शरीफ है, ये गांव के कुछ नंबरदार साहब का घर है। कुछ मैसेजेज आ रही हैं यहाँ पे नेटवर्क की। सार साहब पहुंच गए हो, रास्ता है पर कैसे ला सा इतर है। चलो कोशिश कर दे। हाँ इतर है, वैसे ये देखो ये इतर है। ये देखो ओहो पूरा बर्फ में डूब गया। गवर्नमेंट का करटा उसको करनी चाहिए छुट्टी जनवरी बिच, स्कूल लेने चाहिए 1 अप्रैल को। छुट्टी जनवरी भी करनी नहीं चाहिए, छुट्टी जनवरी भी जरूरत ही नहीं। इसी से मैं वीडियो बना रहे हैं। जनवरी दिसंबर में छुट्टियां नहीं होनी चाहिए ना सार साहब, दिसंबर में छुट्टियां नहीं होनी चाहिए। छुट्टियाँ होनी चाहिए 1 जनवरी से अप्रैल 1 तक। उसी चेना उसी जी स्कूल ही चेना था। शीशे को बारिश पै नहीं होता। चलिए जी जी ओह कुछ हल्की हो गई जी, ये हल्की हो गई, इतने गुमला सारी नहीं पई। ओह गुमला भी इतनी बर्फ पे ही नहीं था, हल्की हो गई। मैं आता है घर आ रहा इतनी बर्फ भी दस ना आए थे कभी भी। बेला नहीं होना, उल्टा पुल्टा रास्ता है। पानी कुछ आन दो, अस तो पानी को रहे ही नहीं। अच्छा वो है पानी। पानी सोर्स ऑफ स्कूल, वाटर सोर्स ऑफ स्कूल, वेरी डेंजरस। बच्चों छोटे बच्चों का स्कूल आना मुश्किल है जी, है ना। छोटे बच्चे भाई पूरे डूब जाएंगे, हम डूब जाते हैं। सौ हो गए सौ पूरो, कितने भी हो सौ हो गए पूरो। हूँ
हाँ, आगे वाली बिल्डिंग हमारी पूरी डूबी चुकी है बर्फ में। इसको कम से कम खोलने में दो चार दिन के लगेंगे, पाँच दिन, तभी तो ये खुल सकता है। उसके लिए लेबर चाहिए। चलिए, हमारे निसार साहब स्कूल में पहुंच चुके हैं, बच्चे दो तीन आए हैं, चलिए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ बच्चों, ठीक हो? तेरा सैला कैसा गुजरा था? असल गुजरा मुझ पे ना, तो आप तीन ही आए हो? चलो ठीक है, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। जरा बच्चा इधर मुड़ तू, ये छोटा बच्चा, ये पड़ोस में है, साथ में गाँव, ये बर्फ में वो लगा हुआ है, यानी कि थोड़ा बर्फ टाइट हुई है, ऊपर से आ जाते हैं। अगर ये बच्चे अगर बर्फ पिघल रही होगी तो इन बच्चों के कद के बराबर बर्फ यहाँ पे पड़ी हुई है, बड़ा मुश्किल है। तो चलिए अभी स्कूल में हम देखते हैं क्या होता है।